मैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। आज बेरोजगारों की तमाम मांगों को लेकर सैकड़ों छात्रों के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन किया। लगातार हम लंबे समय से बेरोजगार युवाओं की मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बिल्कुल भी बेरोजगारों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज जो बेरोजगारों की मांग थी वो बीसीआई 410 का परिणाम, रीच L2 का परिणाम, वन रक्षक का परिणाम, सीईटी की लिस्ट जारी करवाना, सीएचओ का रिजल्ट जारी करवाना, इन तमाम मांगों को लेकर हम मिले थे। और लगातार हम काफी लंबे समय से कर्मचारी चयन बोर्ड पे हम दबाव बना रहे, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अधिकारी है अभी भी बेरोजगारों की मांगों को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर बेरोजगार युवाओं की मांगों को अगर आप दरकिनार करोगे, ये राजस्थान का युवा है जो बहुत ताकत रखता है। अगर आप सपने देख रहे हो कि आपकी सरकार रिपीट हो जाएगी, अगर युवाओं की मांगों पे आपने ध्यान नहीं दिया और युवाओं के कार्य नहीं हुए, तो ये राजस्थान का युवा राजस्थान सरकार को कभी भी वोट नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर आपकी संवेदना राजस्थान के युवाओं के प्रति है तो आप राजस्थान के युवाओं के कार्य करिए, नहीं तो आपको आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मेरे कि वो इस प्रकार से क्यों छात्रों के साथ में कर रहे हैं, क्यों अन्याय कर रहे हैं। लंबे समय से हम मांग उठा रहे हैं और मैं कर्मचारी चयन बोर्ड से लगातार अधिकारियों से मिल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इनके काम कर दीजिए। अगर जल्दी बेरोजगार युवाओं की मांगों को नहीं माना जाता तो कर्मचारी चयन बोर्ड पर जल्दी एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।